हाय गुड आफ्टरनून गाइस। सो आज है 19 जून, टाइम अभी हो रहा है अराउंड 12:30 और लद्दाख के लिए बस एक ही दिन बाकी है। परसों सुबह हम लोग 5 बजे निकलेंगे लद्दाख के लिए। तो कल का वीडियो जब मैंने अपलोड किया उसके बाद मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मेरे जो भी दोस्त हैं, जो जितने भी सब फॉलो करते हैं मुझे, उन्होंने मुझे पूछा कि आप अपने साथ कौन सा राइडिंग गियर्स आप साथ में लेके जाते हो, पहनते हो, हमको थोड़ा बताइए, हमको थोड़ा दिखाइए कि आप क्या यूज़ करते हो, कौन सा राइडिंग गियर्स यूज करते हो, क्या ज़रूरी सामान आप अपने साथ कैरी करते हो। ज़रूरी सामान जो भी है वो सुमन ने आई थिंक कल अच्छे तरह से आप लोगों को सब बताया है कि क्या क्या ज़रूरी सामान हम लोग लिए हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या राइडिंग गियर्स में यूज करने वाला हूँ, इस राइड पर क्या क्या गियर्स में यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा हेलमेट। ये है AGB का K3SB हेलमेट, जो कि बहुत अच्छा हेलमेट है, लेकिन इस राइड में मैं इसको यूज़ करने वाला नहीं हूँ। रीज़न है कि ये बहुत कंफर्टेबल हेलमेट है, लेकिन लॉन्ग राइड्स में मॉड्यूलर हेलमेट थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप कभी भी हेलमेट को खोल कर आप थोड़ा फ्रेश एयर फील कर सकते हो। इसलिए मैं इस बार MT का Atom ये नया वाला ख़रीदा हूँ, मैं इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, ताकि मैं रास्ते में कभी भी थोड़ा मुझे अनईजी लगा तो मैं इसको जस्ट ऊपर उठाया, थोड़ा फ्रेश एयर में फील कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा राइडिंग जैकेट, जो कि रेगुलर जैकेट है मेरा, RST का जैकेट है मेरे पास, और ये बहुत अच्छा जैकेट है। सी लेवल टू का प्रोटेक्शन देता है, बहुत बढ़िया जैकेट है, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। थर्ड है ग्लव्स। तो इस बार मैं 2 तरह के ग्लव्स लेके जाने वाला हूँ। ये मैंने नया ख़रीदा है IDX का स्टेल्थ ग्लव्स, जो कि ऑल वेदर ग्लव्स है। आप इसको बारिश में, धूप में, विंटर में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, फुल्ली वाटरप्रूफ है। तो इसको मैं जब बारिश होगा तब इसको यूज़ करने वाला हूँ। रीज़न है कि जब बारिश में हम लोग क्या करते हैं ना, खुला हाथ में अगर गाड़ी चलाएंगे ना, तो हाथ में जब बारिश के वो बूंदे गिरते हैं तो बहुत लगता है, तो मैं इसको उस टाइम यूज़ करने वाला हूँ। नॉर्मली मैं, मेरा ये जो कोमिनी का रेगुलर ग्लव्स है, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ये ब्रीदेबल है और इसमें आपका हाथ पसीना पसीना नहीं होता, इसमें हवा आता जाता है, तो बहुत अच्छा ग्लव्स है, बहुत कंफर्टेबल है। तो इसको मैं रेगुलर यूज़ करूँगा, लेकिन इसको बारिश में यूज़ करूँगा। फोर्थ है मेरा ये हाइड्रेशन बैग। इसका काम ये है कि इसमें हम ज़रूरी सामान तो कैरी कर सकते हैं, उसके अलावा इसमें हम 2 लीटर पानी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और एक्चुअली वो जो अंदर में जो वाटर का जो थैली है, वो उसको मैं निकाल रहा हूँ धोने के लिए, तो वो उसका पाइप क्या होता है ना, यहाँ पे निकला हुआ रहता है। तो जब भी आपको प्यास लगे तो जस्ट हेलमेट ऊपर उठाना है, पानी पीना है, फिर रख देना है। 2 लीटर पानी हम हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नॉर्मली कभी कभी ऐसे लंबा स्ट्रेच मिलता है जहाँ पे भी कोई एक भी दुकान आपको नहीं मिलेगा, एक भी घर भी नहीं मिलेगा, तब प्यास लग रहा होगा, तो साथ में ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा नी गार्ड्स। मैं एक्चुअली राइडिंग पैंट यूज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं नी गार्ड यूज़ करता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे राइडर्स हैं जो कि नी गार्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोग देख सकते हो इसमें थोड़ा सा स्क्रैचेस भी है, और ये स्क्रैचेस तब लगे थे जब मैं गोवा राइड में एक जगह में स्लश था, बहुत हेवी स्लश था, उसके अंदर मेरा गाड़ी घुस गया और गाड़ी बस 10-20 की स्पीड में ही था, तो गाड़ी स्किड कर गया। तो नी गार्ड का हालत आप देख सकते हो, अगर ये नहीं होता तो मेरा नी का हालत आप लोग सोचो क्या होता। नेक्स्ट है मेरा वेस्ट पाउच। इसमें मैं सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स हो या मेरा पर्सनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैं इसके अंदर कैरी करूँगा, ये हमेशा मेरे कमर में बंधा हुआ रहेगा। फिर है मेरा पास, ये तो रहा गियर्स एंड ऑल, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, रेन गियर्स जो ऑलरेडी मैंने पैक कर लिया है अपने बैग में। रेन गियर्स तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकता है, तो उसको लेके जाना तो बनता है, तो उसको ऑलरेडी मैंने पैक कर लिया। उसके अलावा मैंने RST जैकेट के अंदर ये वाला, हर जैकेट के साथ एक रेन लाइनर देता है और थर्मल लाइनर देता है, तो वो हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितना गर्मी है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इस बार मैं लेकिन इसको लेके जाने वाला अपने साथ,
ये मुझे लद्दाख में बहुत काम आएगा क्योंकि थर्मल वेयर तो ज़रूर बनता है वहाँ पर। ये सब रहा मेरा जो भी ज़रूरी गियर्स है वो ये सब रहा। उसके अलावा मैं ये वाला केस में कैरी कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा जितने सारे एक्सेसरीज हैं, गोप्रो एक्सेसरीज हो या सेना के एक्सेसरी हो या ड्रोन के एक्सेसरी हो, सब इसके अंदर एक ही जगह में रहेगा, तो मुझे इजी होगा कोई भी चीज़ ढूंढने में, मुझे एक ही जगह में मुझे मिल जाएगा। लगेज कैरी करने के लिए मैं ले रहा हूँ मेरे साथ वियटेरा का क्लॉ बैग। ये बहुत अच्छा क्लॉ बैग है, इसमें इससे फ़ायदा ये होता है कि ये पीछे जो सीट है गाड़ी का इसमें आराम से अच्छे से बैठ जाता है, हिलता नहीं है, बहुत मजबूत चीज़ है। ये फुल्ली वाटरप्रूफ तो नहीं है लेकिन इसके साथ एक रेन कवर दिया है तो हम उसको वाटरप्रूफ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं टैंक बैग तो राइनॉक्स का टैंक बैग यूज करता हूँ, उसमें भी मेरा बहुत सारे सामान उसमें अंदर जा सकते हैं। ये सब रहा। और मैंने आपको और एक चीज़ बताना भूल गया, बताता हूँ क्या है। ये है राइड ऑन एयर, इसका काम ये है, ये सीट के ऊपर लगता है और इसमें हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं और ये हमारे कमर को बहुत सपोर्ट देता है और हमारे बम को बहुत सपोर्ट देता है। तो ये जितना ये लॉन्ग राइड्स में हमको पता नहीं चलता कि हम इतना किलोमीटर चला के आए हैं, क्योंकि तो नॉर्मली लॉन्ग राइड करने से बम बहुत दर्द हो जाता है एक ही जगह बैठे बैठे, तो ये इसका काम है। ये इसके अंदर प्रेशर हम लोग देते हैं, बहुत सॉफ्ट है और बहुत कम्फर्टेबल चीज़ है। मैं आपको ज़रूरी चीज़ और एक चीज़ बताना भूल गया मेरे शूज़ के बारे में। ये जो शूज़ है ये नॉर्मली मैं अभी ये नया ख़रीदा हूँ तो आजकल इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है तो इस बार मैं इसको पहन के जाने वाला नहीं हूँ। मेरा जो RST वाला पुराना वाला जैकेट है, सॉरी शूज़ है, मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, RST का शूज़ यूज़ करने वाला हूँ, वो फुल्ली वाटरप्रूफ है। अभी फ़िलहाल मैंने उसको दिया है रिपेयर करने के लिए, एक जगह मैं उसका थोड़ा स्टिच उसका थोड़ा गम निकल गया था तो उसको वापस लगाने के लिए दिया हूँ, तो वो वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये तो रहा सब मेरा सामान जो भी मैं साथ में, बहुत ज़रूरी सामान है, इसको बिना लिए हम राइड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जीन्स वगैरह टी शर्ट वगैरह वो तो सब अलग चीज़ है, वो तो लेके जाना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप कि आप लोगों का दुआ मेरे साथ है, हम लोग अच्छे से जाके अच्छे से रिटर्न आ जाएँ, आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी देखने के लिए मिले। राइड सेफ, राइड विथ केयर्स, बाय बाय, सी यू सून।